थाना सिमरिया शाहपुर चौकी अंतर्गत चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस का शक कंजर गिरोह पर। पुलिस का दावा, जल्द ही पकड़ा जाएगा पगड़ी लगाकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाला चोर गिरोह। थाना सिमरिया शाहपुर चौकी अंतर्गत चोरी की घटना को अंजाम दिया गया बगली लगाकर। पुलिस का शक कंजर गिरोह पर। पुलिस का दावा, जल्द ही पकड़ा जाएगा बगली लगाकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाला चोर गिरोह। थाना सिमरिया शाहपुर चौकी अंतर्गत बगली मारकर चोरी को दिया गया अंजाम। चोरी का शक कंजर गिरोह पर। जिले में इस समय चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जिस तरीके से सिमरिया शाहपुर चौकी अंतर्गत चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस का शक सीधे सीधे कंजर गिरोह पर गया है। पिछले काफी दिनों से रीवा जिले में चोरी की घटनाओं में काफी इजाफा हो गया है। नई गढ़ी में तो पिछले 4 दिनों में 3 चोरी की वारदातें अंजाम दी गई थी, जिसमें एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया। ताजा मामला सिमरिया अंतर्गत शाहपुर चौकी के गाँव में सामने आया। यहाँ पर बगली मारकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, माना जाता है इस तरीके से चोरी कंजर गिरोह करता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और FSL की टीम द्वारा घटना स्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया जा रहा है। घटना स्थल पर चोरी के तरीके को देखकर साफ तौर से कहा जा सकता है चोरी की वारदात कंजर गिरोह ने की है। इस दौरान इस इलाके में कंजर गिरोह की सक्रियता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पुलिस अब नजर दौड़ा रही है कि इस समय इस इलाके में कौन सा कंजर गिरोह सक्रिय है। वहीं बगली मारकर कंजर गिरोह ही चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता है। पुराना रिकॉर्ड कुछ इसी ओर इशारा करता है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए चोरों की खोजबीन प्रारंभ कर दी है। पुलिस की नजरों में कंजर गिरोह प्राथमिकता से है। साफ तौर से माना जा सकता है पुलिस ने जिस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसको देखकर अपनी जांच के प्रारंभिक लम्हों में ही यह साफ तौर से तय कर दिया कि यह चोरी कंजर गिरोह ने की है। कंजर गिरोह इसके पहले भी इसी तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देता चला आया है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है इस इलाके में कौन कौन सा कंजर गिरोह सक्रिय है। पुलिस का साफ तौर से कहना है, हम जल्द ही चोरों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। हमने इस मामले को लेकर एडिशनल SP अनिल सोनकर से भी बात की। उनका भी साफ तौर से कहना था, पहली नजर में चोरी की वारदात कंजर गिरोह द्वारा अंजाम देती हुई नजर आ रही है। हमारी टीम मौके पर है, तफ्तीश जारी है, जल्द ही चोर आपके सामने होंगे। साफ तौर से माना जा सकता है पुलिस का शक कंजर गिरोह पर है और हो सकता है पुलिस की नज़र में वो गिरोह आ भी गया हो। जिस तरीके से चोरी की घटना की सूचना पाते ही तत्काल ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा, मौका मुआयना किया, साफ तौर से माना जा सकता है इस तरीके की चोरी की घटनाओं को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। जिस तरीके से पुलिस साफ तौर से दावा कर रही है, हम चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वालों को शीघ्र ही पकड़ लेंगे। आइए आपको सुनाते हैं, जब हमने एडिशनल SP अनिल सोनकर से चोरी की वारदात को लेकर पूछा, तब उनका क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। शाहपुर चौकी थाना सिमरिया के अंतर्गत कुछ 3-1 घर हैं जहां पे बगली मार करके चोरी हुई है, नकब जनी हुई है, जिसमें थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी वहां स्पॉट पे हैं। हमारी FSL टीम भी वहां गई हुई है और उसमें जिस तरह की वारदात हुई है, उससे ये लगता है कि कंजर गिरोह ने की सक्रियता है वहाँ पे और पुलिस उस दिशा में काम कर रही है। निश्चित रूप से हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं, जल्दी ही पकड़ लेंगे।